आप लोग यहाँ? हाँ हम लोग। क्या भैया, तुम तो बहुत चौकस बात कर रहे थे अपने सिक्योरिटी के बारे में कि कोई कोठाई नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, सब चाक चौबंद, कोई पलक नहीं झपका सकता, खुद अपने पूरी पलके झपकाए सो रहे हैं आप। ये है आपका सिक्योरिटी, ये चाक चौबंद है? अरे मैडम, हमें पता था कि आप दोनों यहाँ आएंगी और हमें सोता देख के यही सवाल करेंगी। बताइए SHO मैडम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का फुटेज चेक करना है। और हम SHO नहीं है, अब SHO ही है, हम ऐसे आए हैं। पर सुबह तक तो आप थी ना? हाँ, लेकिन अब नहीं है। ओ क्या, वो कोई एतराज है तुमको? नहीं, हमें तो पहले ही पता था। क्या पता था तुमको? फुटेज दिखाइए आप। हाँ। ये एक औरत है जो हॉस्पिटल में, पूरे हॉस्पिटल में घूंघट डालकर घूम रही है। इंटर एग्जिट में भी यही घूंघट वाली औरत है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है। या फिर जानबूझकर दिखा नहीं रही है। एक काम करिए, बाहर हॉस्पिटल के बाहर जो सीसीटीवी कैमराज है उनका फुटेज दिखाइए। रिवाइंड करो। बस बस बस, स्टॉप, पॉज। रिक्शा के नंबर प्लेट पर जूम करिए। लीजिए। करिश्मा सिंह, समझ गए। ये रिक्शा वाला कल सुबह आपके सामने होगा। जय हिंद। जय हिंद। संतू, पक्का यही जगह है ना, यहीं आएगा ना ऑटो? यस मैडम, अभी 2 मिनट पहले MG रोड के सिग्नल पे जो CCTV कैमरा है उसने ट्रैक किया था, कुछ सेकंड में पहुंचता ही होगा। अरे कृष्णा मैडम, आप? अरे भैया आप? धन्य भाग हो हमारे जो दर्शन हुए आपके। अच्छा आप हमें एक बात बताओ, आपने सिटी हॉस्पिटल से किसी औरत को अपने ऑटो पर बिठाया था जिसके हाथ में दूध मुआ बच्चा था और ऐसे ऐसे पकड़ी हुई थी वो? याद आया मैडम। याद आया? तो उसका चेहरा मोरा कद काटी सब आपको याद है ना? मैडम इतना सब कुछ तो याद नहीं, वो घूंघट में थी। अच्छा ये याद है आपने उनको कहाँ छोड़ा था? गोमती नगर में मैडम। गोमती नगर में कहाँ पे? मैडम जहाँ वो उतरी थी वहीं मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए मेरे साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सब का है हमारा फोटो? मैडम बहुत बड़े प्रशंसक हैं आपके भोकाल के। क्या तोड़ती है मैडम, क्या फोड़ती है और क्या जोड़ती है। ठीक है भैया, आप एक काम कीजिए ना, रिक्शा चालू कीजिए, चलते चलते। हाँ मैडम। लेकिन मैडम ये आपका बाइक? लखनऊ में किसी का मजाल है हमारे बाइक का हाथ लगा देंगे। आप चलिए, कुछ नहीं होगा बाइक को। ये लीजिए मैडम, यही छोड़ा था हमने उस औरत को। पक्का यहाँ छोड़ा था? हाँ मैडम, हमें याद है अच्छे से, यही छोड़ा था हमने। इस जगह पर तो IVF सेंटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है फिर अभी बाइक पे चलो वापस। मैंने बुना था उसके लिए, उसके पैदा होने से कुछ महीने पहले ही। और ये कपड़े, नार्मान था मुझे ये सब पहनाने का उसे, और उससे पहले ही मेरे बच्चे को छीन लिया गया। शिखा देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इस वक्त आपको खुद को संभालना होगा। वो आपका बच्चा है और दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को बदल नहीं सकती। घबराइए मत, आपकी अमानत
आपके पास जरूर लौटेगी, ये हमारा आपसे वादा है। Are you sure वहाँ पर IVF सेंटर के अलावा और कुछ नहीं था? जी मैडम, से कुछ नहीं था। आपने उस सेंटर में जाकर पूछताछ की? वहाँ जाकर पूछा कि इस हुलिये की कोई औरत आई थी या नहीं? हो सकता है वहाँ से कोई जानकारी मिल जाती, क्योंकि IVF सेंटर्स में सिर्फ उसी तरह के कपल आते हैं जिन्हें बच्चा करने में शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता बच्चा चुराने वाली औरत बच्चे को लेके सीधा जहाँ के लिए निकली है वहीं उतर जाएगी। ऐसे तो उस तक पहुँचने वाले इजीली उस तक पहुँच जाएंगे ना, वो ऐसा गलती क्यों करेगी? इसलिए हमें लगा कि वहाँ पूछताछ करना ठीक नहीं है, तो हमने नहीं किया। तजुर्बा कहता है हमारा कि कई बार उलझी डोर का सिरा हमारे सामने होता है, लेकिन हम उन गांठों को सुलझाने में रह जाते हैं जिससे वो डोर और भी ज्यादा उलझ जाती है। किसी भी मुश्किल को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले सबसे सीधे तरीके से उसे हल करने की कोशिश की जाए। हमें लगता है कि हमें उस IVF सेंटर में जाकर एक बार पूछताछ करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर, चलिए IVF सेंटर। नहीं नहीं, एक मिनट, हमें नहीं लगता कि हमें पुलिस की वर्दी में वहां जाना चाहिए। अगर मुजरिम को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हो सकता है वो अलर्ट हो जाए। सिविल ड्रेस में चलते हैं, वहां जाकर पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या लीड मिलती है। ये भी सही है। अमीनाबाद महिला थाना, कमिन। महिला पुलिस थाना डेल्टा वन, ओवर। रोमियो को डेल्टा वन और डेल्टा टू से बात करनी है। रोमियो दोनों को? रोमियो टू डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, ओवर। जय हिंद सर, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू रिपोर्टिंग, ओवर। हमें आप दोनों से मिलना है, ओवर। कॉपी दैट रोमियो, एनीथिंग अर्जेंट सर, ओवर। चाय पीनी है और बातें करेंगे, ओवर। डेल्टा टू टू रोमियो, चाय शाम को पीते हैं, आज बहुत काम है, ओवर। इंतजार रहेगा, रोमियो टू डेल्टा वन, ओवर एंड आउट। ये DSP सर भी एक नई मुसीबत बन गए हैं, हर छोटी छोटी बात पर उन्हें जाकर हाजिरी दो। इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं ना कि हम बिना उनकी मदद के मैटर इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकें। सुना, का भी DSP सर भी एक अलग मुसीबत है, ऐसा कहा मैडम सर ने। तो का पुष्पा जी, तो मैडम भी मतलब बहन पहले से ही दिमाग का चूर्ण कर रही है, ऊपर से भाई भी मुसीबत बन गया है, इसीलिए पुष्पा जी ऐसे आ रही है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, कपड़े बदलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आग लगाई है, अगली बार कुछ और अच्छा सोचना, फिर और मजा आएगा। हाँ पुष्पा जी, और जहाँ तक बात रही मैडम सर की ना, तो हम भी 100% सहमत है। ये अनुभव भैया ना कुछ ज्यादा ही अपनी टांग अड़ा रहे हैं हर चीज में। केस कैसे सॉल्व करना, इतना बुद्धि तो हमारे अंदर भी है। मैडम सर, आगे से इग्नोरेंस इज द की, और हमारे लिए हम तो नो रिप्लाई, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। करिश्मा सिंह, सरप्राइजिंगली आई एग्री, केस पहले रिप्लाई बाद में। ठीक है, तो हम जाते हैं और पता लगाते हैं कि बच्चा चोरी का तार इस सेंटर से जुड़ा है कि नहीं। होल्ड ऑन करिश्मा सिंह, होल्ड ऑन। आप शायद भूल रही हैं कि अब स्थानीय की SHO हम हैं, इसलिए कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा, किसकी क्या ड्यूटीज है, ये फैसला हम लेंगे। और हमने ये तय किया है कि अंदर हम जाएंगे। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आप अकेली कहे जाएंगे, हम में से कोई क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आप में और हम में इस मैटर को सेंसिटिवली शायद हम ही हैंडल कर सकते हैं। संतोष इतनी छोटी है कि अगर वो बच्चे की तमन्ना लेकर अंदर जाएगी तो एक मिनट में उसका झूठ पकड़ा जाएगा। और पुष्पा जी की उम्र में बच्चों की नहीं, बच्चों के बच्चे होने की तमन्ना रखी जाती है। हमें लगता है कि अंदर जाने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हम ही हैं, इसलिए हम जाते हैं। पॉइंट है क्या? क्या पॉइंट है? हमारे यहाँ जल्दी शादियाँ हो जाती थी, इसलिए बच्चे भी जल्दी हो जाया करते थे, वरना हमारी इतनी भी उम्र नहीं है। जैसे कभी गर्व नहीं किया हमने हमारी सुंदरता पे, मगर अभी भी सिर्फ 2-4 साल ही बड़े लगते हैं हम करिश्मा जी से। देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। पुष्पा जी, बच्चा भी क्या है? और कोई सवाल? जी हाँ, हमारा सवाल है, और वो ये है कि जब आप अंदर जाएंगे ना, डॉक्टर आपसे बहुत तरीके के सवाल पूछेंगी, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपके पति के बारे में, क्या आपके हस्बैंड कैसे हैं, कैसा चल रहा है मैरिड लाइफ, ऐसे 1000 तरीके के और सवाल होते हैं एक शादीशुदा औरत से, जिसका अनुभव हमें बहुत अच्छे से है और आपको नहीं है। तो जब आपसे ये सवाल किए जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगी? इसलिए हम आपके साथ अंदर चलते हैं, क्योंकि हमें काफी एक्सपीरियंस है ऐसे सवालों का। अगर हम आपके साथ होंगे ना, तो हम मिलकर सब संभाल लेंगे। You're right, आप ठीक करें, आपको हमारे साथ चलना चाहिए। इनफैक्ट
सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब तक हम बाकी मेडिकल स्टाफ से और डॉक्टर से बात करके उनका ध्यान अपनी तरफ लाएंगे, तब तक आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा जाकर मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने का। यही ठीक है, चलिए। क्लियर? हाँ जी, क्लियर। संतोष शर्मा, हमने आपको जहाँ जहाँ कैमराज लगाने के लिए कहा था वो आपने कर दिया? यस मैडम सर, आपके नेकलेस पे और आपके बैग में कैमरा फिट कर दिया। ठीक है, सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम सर, यहाँ लैपटॉप पे मेरे पास पूरा कंट्रोल है और हम एक स्पेशल लाइन के जरिए कनेक्टेड रहेंगे। ये लीजिए। ओके, ग्रेट। हाँ, ये लीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलिए। ऑन हुआ? हो रहा, हो रहा। ये दोनों इस प्रकार साधारण वस्त्रों में, या क्या गोरख धंधा है भाई?